बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। तो मुरादराज साहब की तरफ से जी एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें ऑल पब्लिक और प्राइवेट प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स के ओपनिंग की डेट अनाउंस कर दी गई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की ओपनिंग की डेट अनाउंस कर दी गई है। स्टूडेंट्स यहाँ पर नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जिसमें बड़े वाज़े तौर पर मुरादराज साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के तमाम प्राइमरी और एलिमेंट्री क्लासेस जिसमें तमाम पब्लिक और प्राइवेट स्कूल शामिल हैं, इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज़ 1 फरवरी 2021 से ओपन हो रही हैं। और यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पर बड़े वाज़े तौर पर उन्होंने कहा है कि 50% रेशो के हिसाब से आपने क्लासेस में आना है, जो कि ऑलरेडी फैसला किया गया था। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कुछ कन्फ्यूजन चल रही थी स्कूल ओपनिंग होने के हवाले से, यूनिवर्सिटी ओपनिंग होने के हवाले से, तो इसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। NCOC ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि 1 फरवरी से तमाम स्कूल्स और यूनिवर्सिटी को ओपन किया जा रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया है स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम्स होंगे मैट्रिक और इंटर के, वो मई और जून के महीने में मुनक्कद किए जाएंगे। और इसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स को और टीचर को ये कहा गया है कि वो SOPs को फॉलो करें, लाजमी फॉलो करें। अगर कोई भी स्कूल SOPs को फॉलो नहीं करेगा तो उसको क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अल्लाह ताला से दुआ है जो भी हो स्टूडेंट्स के हक़ में बेहतर हो। इंशाल्लाह इसके अलावा जो भी अपडेट हुआ स्टूडेंट्स वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।